कितना बेट है, क्या परमाणु बम है ये? लगता तो ऐसे ही जैसे कोई मिसाइल होती है भाई। ये सर बेट डाला होता है इसके बीच में जो ये डब्बा रहता है। तो ये भी भाई देख सकते हैं काफी बोलोबन, अगर कोई सिगरेट पिए या कोई अंदर धुआं निकले तुरंत ये सायरन बज जाएगा यहाँ से। एक दो चार पौड़ी है भाई, चौथी मंजिल पे जाके बंदा सब जाके बैठता है। वो 170-175 टन का होगा टोटल। 170 टन उड़ता ही जाएगा भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदित सिंह, ओडीसी बहान। तो आज इसके बारे बताएंगे, उस्ताद जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से माल आ रहा है, सारी चीज़ें बताएंगे। उस्ताद जी भी लगे हैं यहाँ पे भाई सेवा करने में। काम तो भाई करना पड़ता है, चाहे कोई भी गाड़ी चलानी पड़ जाए आपको, लेकिन यहाँ पे भाई जी बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो गाड़ी देख सकते हैं काफ़ी लंबी है भाई की, तो देख सकते हैं ये क्या माल है, कहाँ से आ रहा, सारी चीज़ें बताएंगे। कितनी उस्ताद जी की सैलरी है, क्या वाकई ये भाई जब ज़बरदस्त चीज़ है, तो कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, कितना भाड़ा लगता है ऐसे ट्रकों का, क्या आप भी वैसा ट्रक डालना चाहते हैं? पीछे लगा हुआ भाई एक इंजन और जनरेटर भी लगा हुआ साथ में, क्योंकि तभी ये जाके गाड़ी तब जाके चलती है। कितना बेट है, क्या परमाणु बम है ये? लगता तो ऐसे ही जैसे कोई मिसाइल होती है भाई। पीछे से देख सकते हैं भाई कैसे है, ऊपर से देख सकते हैं कैसा ट्रक है। अच्छा, कहाँ से आ रहे उस्ताद जी गाड़ी लेकर? ये हैदराबाद। हैदराबाद से आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? जा रहा खुर्जा। खुर्जा यूपी में। ये क्या चीज है, मिसाइल वगैरह है या वैसे ये कोई प्रोडक्ट है सर? ये फैक्ट्री के अंदर जाएगा, हीटर है। अच्छा, हीटर है, बॉयलर है। अच्छा जी, कितने दिन लग गए हैदराबाद से यहाँ तक आने में? एक हफ्ता। अच्छा, एक हफ्ता लग गया, यानी कि दूसरे ट्रक से काफ़ी स्लो ट्रक चलता है ये। तो सर ये अपना एक दिन में कितने किलोमीटर निकाल देते हैं? 100-150 किलोमीटर ही निकलता है। अच्छा जी, तो कितना भाड़ा कुछ पता है इसका जी? भाड़ा? अच्छा, दो ड्राइवर या तीन ड्राइवर इसके ऊपर? ड्राइवर एक रहते हैं, बाकी तीन स्टाफ टोटल रहते हैं। अच्छा, तीन स्टाफ टोटल रहता है। तो कोई परेशानी भी आती रास्ते में, तारे भी उठानी पड़ती? नहीं, नॉर्मल माल है, इसमें तार नहीं लग रहा है, लेकिन और हाइट रहता तो लगता है। अच्छा, तो कितना सर इसका वजन कितना होगा? का ये वजन है और लिखा हुआ है वजन। अच्छा, इसके ऊपर वेट लिखा हुआ भाई 82,416 केजी, इन्हें के जो है इसका जो वजन है। अच्छा, 82 टन हो गया। हाँ, 82 टन का भाई ये होगा, और इसकी जो हाइट भी लिखी है 12 फुट DIM तो GM, ये सारी चीज़ें लिखी है। कहाँ से आ रहा है? उत्तर प्रदेश ये जा रहा है, ये देख सकते हैं 82,816 इन्हीं के भाई, देख सकते हैं ऊपर भी लिखा है कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉयलर है भाई कहता। कहाँ से लाए थे पहले माल सर आप? तिरछी पड़ता है भाई ये, उधर साउथ साइड में। और कहाँ लेके गए थे? हरियाणा गोरखपुर। इसका डबल था। अच्छा, वो ज्यादा टायर था। सॉरी मैं भाई बोल रहा, मैं अपना वो हिसाब लगा, चार टायर है लेकिन 56 टायर इसके, 10 इसके, 66 टायर हो चुके हैं भाई ट्रक के। तो ये वोल्वो का 520 पुलर कह सकते हैं। तो तीन बंदे हैं भाई, पूरी टीम चलती बनाकर इसको। और देख सकते हैं भाई कितना हाइट कितनी होगी, होगी 12-13 फुट सर? अच्छा, 15 है नीचे, धरती से ऊपर 15 फुट है। तो उसकी हब वगैरह कब ग्रीस होती है ट्रक की? अच्छा, तेल डल जाता है। अच्छा, तेल रहता उसके अंदर, ग्रीस नहीं रहता। और इनकी हब्बे? इनकी हब्बे इनसे भी डेट लिखा रहता है, इनका मेंटेनेंस जिस दिन होता है उसी दिन डेट डल जाता है, उसके बाद में फिर जब टाइम आता है इसका सर्विसिंग डेट होता है। अच्छा, सिलेंडर कितने लगे हुए? ये इसके अंदर जैक होते हैं भाई, ये देख सकते हैं सभी टायरों में, ऐसा नहीं कि आपको जैक लगाना पड़ेगा, ये जैक सिस्टम है। ये देखो, जैक से अपने आप उठ जाता है। इसमें प्रेशर टैंकी लगा है सब जगह, ये देखो प्रेशर टैंकी हर उसके टायर के बीच में लगा है। ये टर्न भी हो जाता है, कहीं मोड़ना है, कहीं ऐसा रास्ता है तो वहाँ से टर्न भी हो जाता है। ऊपर नीचे होता है ना, तो देख सकते हैं अभी गर्म हो रहे हैं टायर पूरे। तो दूसरे उस्ताद जी से भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि 37 टन तो भाई कहता है इसके अंदर ही वजन है। इसके अंदर भाई ग्रीस नहीं डलता, इसके अंदर ऑयल डलता है, जिसकी सर्विस है भाई का कहना है कंपनी करती है वोल्वो। तो उस्ताद जी से भी हम बातचीत करते हैं। तो भाई ट्रक के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे पूरा बेड है, आप सो सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रंट साइड को, तो काफी बटन है, जैसे प्लेन की तरह बटन होते इस ट्रक में,
तो भाई जी बैठे, भाई जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? सर जी कहाँ के रहने वाले जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम विक्की है, मैं पंजाब होशियारपुर। अच्छा जी, पंजाब होशियारपुर के रहने वाले जी। तो ये ट्रक कब से चला रहे जी आप? काफी टाइम हो गया भाई। अच्छा, हो गए 4-5 साल? ज्यादा ज्यादा हो गए। अच्छा, ज्यादा हो गए जी। अभी कहाँ से लोड करके आ रहे जी ये माल? ये हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से आ रहे जी। कहाँ जा रहे जी? खुर्जा बुलंद शहर। अच्छा, खुर्दा बुलंद शहर। ये गाड़ी पूरी एयर कंडीशनर है? एयर कंडीशनर। अच्छा जी, तो इसमें मान लो सर क्या के एक दिन में कितने किलोमीटर निकाल देते हैं आप जी? जैसे 4 लेन है कर दी, 150-200 किलोमीटर। अच्छा जी। हाँ। अगर सिंगल लेन है तो कम निकल? सिंगल रोड कम घट निकलते है। अच्छा जी, तो परेशानी है सर कोई आती है फिर रस्ते में? परेशानी का कोई नहीं है, नॉर्मल माल है। किसी वेले चौड़ा माल रहा, हाइट रहा, उन्होंने थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा जी, नॉर्मल माल है, ज्यादा नहीं है। हाँ जी, तो जैसे टोल टूल इसके कितने लगते हैं सर? टोल टैक्स वगैरह? टोल ओवरसाइज का फास्ट टैग लगा 15 नंबर का। अच्छा, इसका 15 नंबर का साइज है भाई, लगा हुआ अलग से 15 नंबर ओवरसाइज लगता है। अच्छा, ऑटोमेटिक ही टोल कट जाता है इसमें? ऑटोमेटिक। तो जैसे खुलाना भी पड़ता है कई बार जगह कम की टोल पे, जो सेंसर लगे होंगे ना? हाँ जी, वो खुलाने पड़ते हैं चौड़ा माल हो गया। अच्छा जी, तो सर क्या एवरेज कितनी करता है, अगर एवरेज की बात करें इस ट्रक? एवरेज वेट के हिसाब से होता है जी। अच्छा जी, जितना वेट लोड करूंगे उसी हिसाब से। अच्छा, इसका कितना वेट है जी? ये 80 टन। अच्छा, 80 टन है। इसके अंदर भी सर ट्रक के ऊपर जो बटन है लोड डाल रखा है, इसका कितना वजन है जी? 36। अच्छा, 36 इसका है भाई और 80 टन उसका है माल माल का। टोटल क्रॉस वेट सर कितना हो जाएगा इसका, ये ट्रोले का भी उसका भी? 170-180 टन। 170-180 टन भाई इसका हो गया वेट, देख लो भाइयों। तो ये पुलर है भाइयों, वोल्वो का। तो सर चलाने में कैसी गाड़ी? चलाने में एयर कंडीशन, पूरा जहाज का मजा आता है। अच्छा, जहाज का मजा आता है भाई पूरा। तो सर जैसे ये वोल्वो के जो चल रहे डिलीवरी वो ही पुलर है, ये अलग होता है अलग से? यानी कि वही है, फंक्शन थोड़े लाइट है, हैवी है। अच्छा, बस है, सेव है भाई की। तो गियर की बात सर, ये क्या क्लच ऑटोमेटिक है? ये हाई लो। अच्छा, हाई लो है। तो बात करें सी का मतलब सर स्पेशल? सी सबसे हैवी गियर है, जहाँ कोई गियर ना काम करे वहाँ सी गियर काम करेगा। अच्छा जी, और जैसे कितने गियर हो गए सर इसके? 6, 7, 8, 9 जी। यानी कि हाई लो सिस्टम हो के 12 गियर हो जाते हैं। अच्छा, हाई लो सिस्टम हो के 12 गियर हो जाते हैं भाई। तो विदेशों की तरह देखो भाई, वोल्वो है पूरा, ड्राइवर भाइयों के हिसाब से जो ट्रक तैयार करती है, तो गाड़ी काफी अच्छी। सर सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी सर मिल जाती है आपको? सैलरी देन दे भाई अपने 36,000 रुपए सैलरी मिल जाती है। और अलग से खर्चा रोटी पानी सब कंपनी का? जी सर। अच्छा जी, वो अपने बीच में खाना पड़ेगा? टोटल कंपनी 36,000 रुपए देगी, है ना? ठीक है ठीक है। अगर कोई भाई हमारे जैसा ट्रक ये चलाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बेंगलोर ट्रेनिंग करो जाके। अच्छा, वोल्वो की ट्रेनिंग होती है? लेटर पैड दी है। हाँ जी, फिर उसे ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर अच्छा, फिर जाके आपको लाइसेंस इसका मिलता है चलाने का? हाँ जी, सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, कितने टाइम लगेगा सर ट्रेनिंग में वहाँ पे? हफ्ते दी होंगी भाई। अच्छा, 1 हफ्ता लग जाएगा, है ना? एक हफ्ता लग जाए। जैसे कोई भी ट्रक चला रहा है, चाहे डिलीवरी वाला ट्रक चला रहा है? डिलीवरी वाले तो आजकल दिल्ली में कर देते हैं अपने। अच्छा, वो दिल्ली में कर देते हैं। तो ये जो वोल्वो की भाई स्पेशल ट्रेनिंग होती है सर, और भी इसी कंपनी में कोई ऐसे बड़े ट्रक होते हैं जैसे मर्सिडीज का हो गया? मर्सिडीज तो आया नहीं है, स्कानिया आया है। अच्छा, स्कानिया है इसकी टक्कर में? हाँ जी, स्कानिया। कई टाटा वाले भी लगा देते नहीं, खींच लेता टाटा वाला? ये टाटा वाले का भी ऐसे कूलर नहीं बना हुआ। अच्छा जी, अभी यही वोल्वो ने आयशर निकाला हुआ है। हाँ जी, आयशर के कूलर बने हैं। अच्छा, आयशर के बने कूलर। हाँ जी, बात कर लेते हैं इस तरफ से, अगर देखा जाए काफी फीचर है इस ट्रक के अंदर, देख सकते हैं आप हाई लो गियर। ये इंजन ब्रेक है सर? ये डिफेंसर लोग। अच्छा, डिफेंसर लोग 4x4 यहाँ से काम। ये सर ये लाइट दा है? अब हेडलाइट है? नहीं नहीं, अंदर की लाइट है ना। तो काफी ये वोल्वो का क्या सर सिस्टम लगा हुआ? ये जिधर सिगरेट सोडा धुआं तो जिधर जाता है अलार्म दे देता है। अच्छा, अलार्म देगा सिगरेट पिए गाड़ी में? तो ये भी भाई देख सकते हैं काफी वोल्वो ने, अगर कोई सिगरेट पिए या कोई अंदर धुआं निकले तुरंत तो ये सायरन बज जाएगा यहाँ से। तो भाई का पीछे सामान वगैरह पड़ा है। तो स्टेयरिंग देख सकते हैं सर, कितने लाख सर किलोमीटर चल गई होगी गाड़ी ये? भाई 2,24,000। बहुत ही कम चली। लाइटें देख सकते हैं कितनी आ रही इसके अंदर भाई, बंदा कंफ्यूज। स्टॉप आ गई है, चेक आ गई, सीट बेल्ट की लाइट आ गई, कंप्यूटर सिस्टम है। सारा कंप्यूटर सिस्टम है भाई, नॉर्मल काम नहीं, तभी इसकी वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। ये सर क्या पार्किंग? हैंड ब्रेक।
अच्छा जी, क्लच है इस गाड़ी में सर? अच्छा, क्लच भी है। सीढ़ियां भी काफी है भाई, तो ऐसा लगता है बहुत ऊंची जगह बैठा हूँ। एसी का भाई क्या बात है, पूरी ठंडक है गाड़ी में। मैं 6'2" का यार, 6'2" का। मैं देख कितना बड़ा है, पीछे से ले थोड़ी सी, मैं उतर के पौड़ियां मेरी छाती से पहुंच गई है। मैं इतना ऊंचा चार पौड़ियां है भाई, चौथी मंजिल पे जाके बंदा सब जाके बैठता है भाई। ये 520 कूलर यहाँ देख सकते हैं, अगर लोड पड़ जाए तो ये हुक एक्स्ट्रा लगा रखी है, इसको भी खींचना पड़ सकता है, अगर ज़्यादा वजन है। अगर बात करें 86 की मोटे काटर है भाई, कम से कम 2 इंची मोटी 86 यहाँ पे है, एक्स्ट्रा लेटर लगा रखी है। ऊपर की बात करें भाई, ऊपर देखो भाई कहाँ बैठा, देखो कितनी ऊँची है। तो अगर एक्चुअली को भी बात करें, अगर नटों की बात करें तो चक्के के नट ये सेंसर आ गया है, यहाँ पे आ गए 1220 के टायर भाई। क्या बात है, हमारे 1020 के इसमें 1220 के टायर आ गए, क्या बात, 70 टायर है पूरे। तो भाई कई कई बाइक है, 6-6 महीने भी इस ट्रक को लग जाते हैं पहुँचने में। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये थोड़ा जो है 1 करोड़ रुपए का है भाई, नंबर परमट अलग से अलग से 1 करोड़ की कीमत है इस ट्रक की। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चल गया भाई, चल पड़ा भाई, खिंचो खिंच उठता ही जा रहा भाई। 80 टन पा के 37, वो 170-175 टन का होगा टोटल। 170-175 टन आ गया ना वजन।